In this video, I am describing a review of the class first chapter. So first of all, write the numbers name. Especially in this heading, we will describe that how we write the numbers name of the two digits. मतलब दो digits की जो numbers हैं उनके names कैसे लिखेंगे? तो one से लेकर के 100 तक, 1 to 100 तो हमने spelling learn ही की होगी. स्पेलिंग आपको आनी चाहिए कि 1 की क्या होगी, 10 की क्या होगी, 20 की क्या, 30 की, 40 की, 50, 60. तो हम आपको दिखाते हैं 1 की स्पेलिंग तो O-N-E-1 ही होती है, 2 का T-W-O होता है, 3 का T-S-R-E-E होता है, 4 का F-O-U-R, 5 का F-I-V-E, 6 का होता है S-I-X, 7 का S-E-V-E-N, 8 E-I-G-S-T, 9 N-I-N-E, 10 T-E-N. After this students, हम लिखते हैं 20 का, तो पता चलेगा T-W-E-N-T-Y, 20. इसके बाद 30 का, T-S-I-R-T-Y, 30, F-O-U-R-T-Y, 40, 50 का होगा, F I F T Y 50, 60 का होगा S I X T Y 60, 70 का होगा S E V E N T Y 70, 80 का E I G S T Y 80, 90 का होगा N I N E T Y 90, and 100 है लास्ट में H U N D R E D. हम स्टूडेंट्स अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं. हमको जैसे पहली जो नंबर दी गई है वो दी गई है 36. तो कुछ भी नहीं करना है खास, हम देखते हैं 30 की स्पेलिंग क्या होगी. सो हमको मिला यहाँ पे 30, हमने 30 लिख दिया टी एच आई आर टी वाई, और 6 भी लिख दिया तो 6 की स्पेलिंग हमको यहाँ पे मिली, और हमने इसके बाद लिख दिया 6. और जो ये स्पेलिंग हो गई, ये हो गई 36 की स्पेलिंग. आफ्टर दिस द नेम ऑफ 58. इसके बाद हम 58 का सीखते हैं. 58 का तो यहाँ पे मेरे पहले सर्च करना होगा कि 50 का क्या होगा. सो हमने यहाँ से स्पेलिंग 50 की सीखी थी, एफ आई एफ टी वाई. सो हमने लिखा 50 एफ आई एफ टी वाई, एंड देन ये 8 है तो 8 की स्पेलिंग यहाँ से राइट कर लिया और ये हो गया 8, 58. एक दो स्टूडेंट्स और एग्जाम्पल लेते हैं हम. जैसे आपको दे दिया गया 69, 69 का आपको लिखना है तो आप लेंगे सबसे पहले 60, तो आपको स्पेलिंग मिलेगी एस आई एक्स टी वाई 60, और इसके बाद फिर 9 की स्पेलिंग तो यहां से हमने लिख लिया 69. ये स्टूडेंट्स इस सारी चीजों की सहायता से आप टू डिजिट्स की किसी भी नंबर की नेम जो है वो राइट कर सकते हैं. आपको क्लियर हुआ होगा. सेकेंड थिंग है, आफ्टर दिस कम्स बिफोर एंड आफ्टर द नंबर. कोई भी नंबर गिवन होगा, हमको उस नंबर का बिफोर और आफ्टर आने वाला नंबर लिखना होगा. सो स्टूडेंट्स हम देते हैं एग्जांपल आपको. बिफोर क्या होता है? बिफोर एंड आफ्टर. बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद. जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया, एक बॉक्स बनाया, इसमें लिख दिया गया 45, और इसमें दिया गया कि आपको इसका बिफोर नंबर राइट करना है और आपको बताया गया कि इसमें आफ्टर नंबर राइट करना है. तो बिफोर का मतलब हो गया 45 से पहले कौन सा नंबर आता है? 44. 44 के बाद ही 45 आता है, तो मतलब 45 से पहले क्या आ गया? 44. तो बिफोर में हम लिखेंगे 44, और आफ्टर का कौन सा नंबर होगा? 45 के बाद क्या आता है? 46. तो हो जाएगा 46. इन दोनों के लिए हम एक मेथड और यूज कर सकते हैं. माइनस वन करेंगे तो बिफोर नंबर आ जाएगा, प्लस वन करेंगे तो आफ्टर आ जाएगा. जैसे इसमें कुछ और भी एग्जांपल्स ले जा सकते हैं. जैसे हमने 10 ले लिया, 10 के बिफोर कौन सा, 10 से पहले कौन सा नंबर या डिजिट आता है? तो हम लिखेंगे 9. और आफ्टर में क्या होगा? 10 के बाद आने वाला नंबर या डिजिट, ये हो जाएगा 11. एक दो एग्जाम्पल्स और दिखाते हैं हम आपको. 88 है एग्जाम्पल में. 88 की बिफोर नंबर क्या होगी? बिफोर मतलब पहले आने वाली. सो देखेंगे
80 की बात शुरू, 80 की बात काउंटिंग करते हैं, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, तो 88 से पहले क्या है, 87, तो हम लिखेंगे बिफोर किस चीज में 87, और 88 के बाद क्या आता है 89। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम बिफोर और आफ्टर किसी भी नंबर का लिख सकते हैं। अगली चीज है राइट नंबर्स बिटवीन, राइट द नंबर्स बिटवीन दो नंबर्स दिए गए होंगे, उनके बीच आने वाले सारे नंबर्स को राइट करना है। क्या करना होगा, जैसे आपको दे दिया जाए वन, वन के बाद डॉट 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 दे दिया जाए और दे दिया जाए आपको टेन। आपको बोला गया कि राइट द नंबर्स बिटवीन, अभी इन दोनों वन और टेन के बीच आने वाले सारे नंबर्स या डिजिट को राइट करना है। तो वन और टेन के बीच में क्या आता है, टू आता है, थ्री आता है, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। तो हम एक काम करते हैं, उन सारे नंबर्स को लिखते हैं, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट एंड नाइन। टेन और वन के बीच जो बीच में आने वाले डिजिट का नंबर है वो रहे टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। यही था मतलब, यही इसका मतलब यही होता है कि नंबर्स किस तरीके से बीच के लिखे जाएंगे। अगला एग्जाम्पल है आपका 28 and 31, 28 और 31 के बीच के नंबर्स को लिखेंगे। तो हम लिखते हैं, काउंटिंग करते हैं, 28 के बाद क्या आता है आपका 29, सो हमने यहाँ पे 29 लिख दिया। 29 के बाद क्या आता है आपका 30 लिख दिया, 30 के बाद 31, पूरी सीरीज कंप्लीट हो गई। 28 और 31 के बीच दो नंबर्स आए और वो रहे 29 and 30। ओके, ये इसी तरीके से था। और इसके बाद स्टूडेंट्स आपकी है मीन्स राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर कैसे राइट करेंगे, किसी भी देखते हैं, जैसे कोई टू डिजिट का नंबर होगा किसमें कितने केसेस होते हैं, टू डिजिट नंबर में इसमें कितने प्लेसेस होते हैं डिजिट से, तो हमको पता चलेगा टू डिजिट नंबर्स में दो प्लेसेस होते हैं, एक होता है वंस और दूसरा होता है टेंस। वंस की जो डिजिट होगी वो राइट साइड लिखी जाती है और टेंस की जो डिजिट होगी वो लेफ्ट साइड लिखी जाएगी। एक क्वेश्चन आया आपके लिए कि ए 110 प्लस 11, तो ये क्लियर है कि वन जो है वो वंस के प्लेस पे है, तो हमने वंस के नीचे लिख दिया। और जो दूसरा वाला वन है ये टेंथ के नीचे है, तो हमने टी के नीचे लिख दिया। जो हमारा नंबर हुआ वो हो गया 11, और यही इसका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अगला एग्जांपल है, जैसे लिख दिया गया 7 tens plus 8 ones, तो इसमें भी नंबर बनाना है, तो हम एक काम करते हैं, ऐसे लिखेंगे 10 and 1s, हमने 10s लिखा, 1s लिखा, तो 1s के नीचे 8 लिखा और 10s के नीचे 7 लिखा। 7 tens और 8 ones को कंबाइन करते हुए जो हमको नंबर मिला वो हो गया 78, ये रहा इसका। एंड अगला है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो जस्ट इसके अपोजिट है, ठीक हमको यहाँ पे स्पाइनरी फॉर्म में दिया गया था, स्टार फॉर्म लिखना था, मतलब वंस टेंस और वंस दिए गए थे उसके स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने थे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म का नंबर दिया गया होगा, उसमें हमको टेंस और वंस सर्च करके लिखना होगा। सो क्वेश्चन है, राइट द टेंस एंड वंस वंस ऑफ द नंबर, राइट द टेंस एंड वंस ऑफ द नंबर। सो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन आया 39, इसमें एक ऑप्शन आया यहाँ पे टेंस और दूसरा ऑप्शन आया यहाँ पे वंस, तो टेंस और वंस कैसे लिखेंगे आप देखें, बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया टेंस प्लस फिर बॉक्स और यहाँ पे वंस। देखिए इसमें ये 9 जो है वो वंस के प्लेस पे है, जो 3 है वो टेंस के प्लेस पे है, तो टेंस वाले बॉक्स में 3 देते हैं
और वंस वाले बॉक्स में 9 देते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि 39 में 9 जो है वो वंस प्लेस पे है और जो 3 है वो टेंस प्लेस पे। अभी कुछ एग्जांपल दिखाते हैं आपको। जैसे आपको दे दिया गया 72 में फिर कौन सा टेंस प्लेस पे होगा, कौन सा वंस प्लेस पे होगा। पहले ही सेंशन से आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन टेंस प्लेस पे है कौन वंस प्लेस पे है। ये वंस प्लेस पे है तो 2 तो हम इस बॉक्स में लिखेंगे, और जो 7 है वो टेंस प्लेस पे है तो हम इसको इस बॉक्स में लिखेंगे। डियर स्टूडेंट आपको टेंस और वंस डिफाइन करना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट इस पे आगे बढ़ते हैं, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। आपको 3 सिंबल्स के विषय में बताते हैं और उनका यूज कैसे करेंगे, क्योंकि इन सिंबल का यूज करते हुए हम रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सी नंबर ग्रेटर है कौन सी नंबर स्मॉलर है। इसका मतलब होता है ग्रेटर का मतलब होता है बड़ी और स्मॉलर का मतलब होता है छोटी, और कौन से 2 ऐसे नंबर या डिजिट हैं जिनकी वैल्यू सेम है। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन से कंपेयरिंग सिंबल्स का यूज करते हैं, हमको स्पेशली आज उसी पे डिस्कस करना है। 3 सिंबल यूज करते हैं, एक ये होता है ग्रेटर देन, दूसरा होता है लेस देन, और तीसरा होता है इक्वल। हम यहां पे हेडिंग बना लेते हैं कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स। इन 3 सिंबल्स का यूज करेंगे। इसका मतलब होता है फर्स्ट का, जब हम इन्हीं दो नंबर्स के बीच अगर हम इस सिंबल का यूज करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जिस साइड इसका माउथ ओपन है इधर ग्रेटर नंबर होगा मींस बड़ा वाला नंबर होगा, और जिधर इसका माउथ क्लोज है उधर होगा स्मॉलर नंबर। अगर सिंबल इस तरीके से लगा हुआ है तो हमको पता करना है कि किस साइड बड़ा वाला नंबर है किस साइड छोटा वाला नंबर है। ये रिप्रेजेंट करता है कि जिस साइड माउथ इसका क्लोज है तो ये हो जाएगा इधर स्मॉलर नंबर मतलब छोटा वाला नंबर, और जिस साइड इसका माउथ ओपन है इधर हो जाएगा ग्रेटर नंबर मींस बड़ा वाला नंबर। तीसरी कंडीशन आती है, हमने एक और सिंबल यूज किया था इक्वल का सिंबल हम कब यूज करेंगे। इक्वल का सिंबल यूज करने का मतलब होता है जब हमने इधर लगा दिया इक्वल बॉक्स में, इधर भी एक नंबर लिखी गई है, एक नंबर या डिजिट इधर भी लिखी गई है, तो दोनों की जो वैल्यू होगी वो सेम होंगे। इक्वल का मतलब सेम नंबर आर डिजिट, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब हम आपको इन 3 कंडीशंस को डिजिट या नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे लिखना है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, हमने यहां पे लिखा 89 बॉक्स बनाया और हमने यहां पे लिख दिया 78। ये पहली कंडीशन रही आपके लिए। सेकेंड कंडीशन है हमने यहां पे लिखा 69 और दूसरी यहां पे साइड लिख दिया 96। तीसरी कंडीशन है हमने लिखा यहां पे 23 एंड बॉक्स में भी बॉक्स के बाद भी लिखा 23। हमको ये गेस करना है कि हम कहां कौन सा सिंबल इन बॉक्स में यूज करेंगे। तो पहला सिंबल जिस साइड पहले देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। 89 78, तो श्योर सी बात है कि 89 बड़ा है 78 छोटा है। तो जिस साइड नंबर बड़ा होता है उस साइड सिंबल का माउथ जो होता है वो ओपन होता है, तो इसका मतलब ये वाला सिंबल हम यहां यूज करेंगे। ये सिंबल लगते ही रिप्रेजेंट करता है कि इधर वाला नंबर लेफ्ट साइड वाला जो नंबर है वो बड़ा है, राइट साइड वाला जो नंबर है वो छोटा है। आफ्टर दिस 69 एंड 96 पे ध्यान देते हैं, 69 बड़ा है कि 96 बड़ा है, तो हमको पता चला कि 96 जो है वो बड़ा है। 96 बड़ा है तो सिंबल जो है वो रिवर्स हो जाएगा, जिस साइड नंबर बड़ा होता है उस साइड माउथ ओपन होता है सिंबल का, तो हमने ऐसे लगा दिया। 23 इधर भी है 23 इधर भी है, तो इसका मतलब दोनों साइड दोनों चीजें इक्वल ही है, तो हमने यहां लगा दिया 23। आपको आ गया होगा कि हम कैसे नंबर्स को कंपेयर करते हैं। डियर स्टूडेंट इसके बाद आपको पढ़ाना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों ही बड़ी अच्छी चीजें हैं। इसको आपने देखा भी होगा, एक चीज होती है असेंडिंग ASCENDING असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है टू एस्केंड का मतलब होता है टू ग्रो। असेंडिंग ऑर्डर ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा ऑर्डर होता है जिसमें नंबर्स को हमको इस तरीके से अरेंज करना होता है जिससे हम एक स्मॉलर नंबर्स की सीरीज से चलें और बिगर नंबर्स की सीरीज जाएं, जो सबसे बड़ा वाला नंबर है वो सबसे लास्ट हो। अगर हम इसका एक स्ट्रक्चर की बात करें
तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, और ऐसे जहां पे कोई व्यक्ति यहां से स्टार्ट करता है फिर स्टेरिंग करते हुए वो ऊपर जाता है, और ये जो आर्डर है ऊपर जाने का इसी को बोलते हैं हम असेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर थोड़ा सा हम इसको समझाएं, असेंडिंग आर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग आर्डर की बात करते हैं। असेंडिंग आर्डर पहले एग्जांपल दें आपके लिए, जैसे लिखा गया है 10 लिखा गया है, 9 लिखा गया, 25 लिखा गया एंड 7 लिखा गया, और क्वेश्चन में कहा कि यू अरेंज दिस इन द असेंडिंग आर्डर, आप उसको असेंडिंग आर्डर में अरेंज करें। आप ग्राफ को ध्यान रखेंगे तुरंत कि मतलब हमको स्टार्ट करना है सबसे छोटे वाले से, और जो सबसे वाला बड़ा वाला होगा वो सबसे मतलब लास्ट होगा। इनमें देखते हैं सबसे छोटा कौन है, 10, 9, 25, 7 में सबसे छोटा कौन है, तो हमको मिला 7 सबसे छोटा, इसके बाद 9, 9 के बाद 10 और एटलीस्ट 25, ये हो गया असेंडिंग आर्डर अरेंजमेंट। और अगर हम इसके इसको इस तरीके से लिखें तो हम लिखेंगे यहां पे 7 फिर 9 फिर 10 फिर 25, आप देख रहे हैं कि लोअर से हम अपर जाते जा रहे हैं, यह है असेंडिंग आर्डर। डियर स्टूडेंट दूसरी चीज है आपके लिए, ये वाला था डिसेंडिंग आर्डर। ये डिसेंडिंग आर्डर का क्या मतलब होता है, डिसेंडिंग आर्डर का मतलब होता है टू कम डाउन, टू कम डाउन मतलब नीचे की साइड में। अभी सोचो आप, आपसे बोला गया नीचे आओ, तो नीचे आप कहां से आएंगे, स्वाभाविक सी बात है आप ऊपर से आएंगे। इसका मतलब यहां डिजिट्स के अबाउट बात कर रहे हैं, तो बड़ी डिजिट्स के साइड से हम, बड़े नंबर्स के साइड से हम छोटे नंबर के साइड आएंगे, तो ये होगा हमारा डिसेंडिंग आर्डर। जैसे हमने बोला इसी अभी इसमें इस ग्राफ की सहायता से आपको बताया कि जब हम इस यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं और ऊपर जाते हैं तो ये हमारा होता है असेंडिंग आर्डर। लेकिन अगर हम जस्ट इसके अपोजिट चलना है चाहते हैं, यहां से स्टार्ट करें, यहां पे हम खड़े थे यहां से स्टार्ट करें और ऐसे फिर नीचे आए, ये होगा हमारा डिसेंडिंग आर्डर। ध्यान दीजिएगा डिसेंडिंग आर्डर की एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे इसी एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं आपको, 10 था, 9, 25, 7। हमको इसमें मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देनी है कि हमको डिसेंडिंग आर्डर में ऊपर से आना, इसका मतलब सबसे बड़ी वाली डिजिट या नंबर जो होगी उसको सबसे पहले लिखना होगा। तो 10, 9, 25 और 7 में सबसे बड़ा क्या है, 25, ये पहला होगा। सेकेंड प्लेस पे 10, इसके बाद 9, इसके बाद 7, ये डिसेंडिंग आर्डर का अरेंजमेंट होगा आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स, एक और हम दिखाते हैं आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर का एग्जाम्पल ही कैसे अरेंज करेंगे, क्योंकि ये जो करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करना, इसलिए एक वर्ड यूज होता है ऑर्डरिंग। चलिए तो फिर ऑर्डरिंग में फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आया है आपके लिए 44, 44 एंड 48 आफ्टर दिस 38। तो सबसे पहले करेंगे इसका असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर में ध्यान रखेंगे सबसे छोटी वाली डिजिट या नंबर सबसे पहले, और जो सबसे बड़ा वाला होगा वो सबसे लास्ट में। तो 44, 48, 38 में सबसे छोटा कौन सा है, 38। आफ्टर दिस 38 से बड़ा क्या है, 44, और सबसे बड़ा क्या है, 48। तो मतलब इस क्वेश्चन का ये असेंडिंग आर्डर है। डिसेंडिंग आर्डर की बात करते हैं, डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग आर्डर में हमको ध्यान रखना है कि हम सबसे बड़े वाले नंबर से चलेंगे और सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा वाला नंबर होगा उसको लिखेंगे। तो सबसे बड़ा इन तीनों में कौन सा है, 48, तो सबसे पहले हमने लिखा 48, आफ्टर दिस 44, इसके बाद हमने लिखा 38, ये हो गया डिसेंडिंग आर्डर। बेस्ट सारे स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट्स भेजेंगे और एक दो बार आप वीडियो को देखेंगे, समझेंगे सारी चीजों को, समझ में आएगा आपको। एंड वी मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेयर आई विल डिस्कस अबाउट इवन एंड ऑर्डर।